पूरे हिंदुस्तान में हंगामा होगा, तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा होगा। न कानून के खिलाफ, न किसी इंसान के खिलाफ अपनी जबान चलाई है। ऐसे आदमी को इस तरीके से गिरफ्तार करना गोया कि मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरे से खाली नहीं है। आज हम हुकूमत सरकार से कहना चाहते हैं, मोदी सरकार से भी, योगी सरकार से भी कहना चाहते हैं कि इस तरीके से फिरका वारियत फैलाकर और हरासा करके, डरा धमकाकर, आप अगर ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान कायम रहे, कभी नहीं रह सकता, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर सेकुलर सोच रखने वालों के लिए एक दुखदह बात है कि इस तरीके से मुल्क में जो है फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम मुल्क की हुकूमत से, हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो हजरत मौलाना को जल्द रिहा करें, और अगर हजरत मौलाना को रिहा न किया गया तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा होगा। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, सेकुलर सोच रखने वाला हर इंसान सड़क पर उतरेगा, हालात खराब होंगे मुल्क के। इसलिए गुजारिश है कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के वक्त को देखकर आप हिंदुस्तान के नागरिकों को अमन के साथ रहने दीजिए। ये हमारी दरख्वास्त है पहले नंबर पर। और अगर फिर भी हुकूमत बाज ना आई तो मेरे भाई, हम सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे।